मैं शबनम, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. एंड सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगी, जैसे कि मैं आपको अपनी लास्ट ऑडियो में बता चुकी हूँ, हु इज़ कंज्यूमर एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. एंड मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. इसका एक्ट, इसका जो पर्पस है वो उन पर्सन्स के लिए है जो कोई भी गुड्स यानी कि किसी भी माल को ख़रीदते हैं या किसी भी सर्विस को लेते हैं और उसके लिए जो भी उसका अमाउंट है वो पे करते हैं, या तो अगर उसमें बाद में उसमें कोई भी फॉल्ट आता है, कोई भी कमी आ जाती है, या उसका कॉस्ट आपको पता चलता है कि उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, जब आपने ख़रीदी थी उस टाइम पर उसकी इतनी कॉस्ट नहीं थी, तो उसके लिए आप परिवाद पेश यानी कि कंप्लेंट कर सकते हैं. अब इसमें मैं आपको आज का जो टॉपिक है वो कंप्लेंट से ही रिलेटेड है. मैं आपको कंप्लेंट के बारे में बताना चाहूँगी. व्हाट इज़ कंप्लेंट? इट मींस परिवाद. जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है, इसकी धारा 2 क्लोज 1 एंड सब क्लोज ग, इसे आप इंग्लिश में एक बार देख लीजिएगा, कि अकॉर्डिंग जो कंप्लेंट है, कंप्लेंट से किसी परिवादी द्वारा, कोई भी जो कंप्लेंट कर रहा है उसके द्वारा लिखित में, रिटर्न में किए गए ऐसे किसी स्टेटमेंट से है, कथन से है, जो कि किसी व्यापारी द्वारा अनुचित व्यापार या प्रतिबंधित व्यापार प्रथा का उपयोग किया गया है. कोई भी व्यापारी है जो कोई भी गुड्स बेच रहा है, कोई भी माल बेच रहा है, वो एक तरीके से अनुचित व्यापार कर रहा हो, या किसी रेस्ट्रिक्ट जी ऐसा व्यापार जिस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है, या कोई भी ऐसा माल बेच रहा हो जो जिस पर रेस्ट्रिक्शन लगाई जा चुकी हैं, या फिर उसके द्वारा क्रय किया गया या क्रय करने के लिए सहमत माल में एक या एक अधिक छूटियाँ हों. कोई भी पर्सन है, कोई व्यापारी है जो कोई ऐसा माल, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पर्सन कोई माल ख़रीदता है या कोई भी सर्विस लेता है, और उसमें उस माल में, उस गुड्स में एक या एक से ज़्यादा कोई भी फॉल्ट निकल जाती हैं, देन किसी पर्सन द्वारा भाड़े पर ली गई या उपयोग यूज़ की जाने वाली कोई भी सर्विस, जिसमें कोई पर्सन है, कोई वो उसने एक सेलफोन ख़रीदा, बाद में उसमें उसके फीचर्स में कोई एम्बिगुटी निकल गई, एक या उससे ज़्यादा कोई भी उसमें फॉल्ट निकल जाती है, या फिर व्यापारी ने परिवाद में जो भी वर्णित गुड्स हैं या वस्तुएं हैं उनकी कीमत से, जो उनकी कीमत है उस टाइम जो भी कानून विधि लागू थी उससे ज़्यादा उस कीमत से उन्हें बेचा है, या उस माल या वस्तुओं के पैकेज पर, जो उस माल और वस्तु के पैकेज पर शो भी हो रही है, वो अधिक कीमत, उससे ज़्यादा कीमत वसूल ली है. इट मीन्स कोई भी व्यापारी है जो किसी माल को बेच रहा है और वो उसका कोई पैकेज है, उस पर जो कीमत लिख रही है उससे ज़्यादा अगर वो कीमत ले लेता है, तो इन सब, इन सारी जो भी मैंने आपको बताए हैं, इनके लिए जो परिवादी है वो परिवाद पेश कर सकता है, जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है. अब मैं बताना चाहूँ आपको जो परिवाद है, कंप्लेंट है, उसके एसेंशियल एलिमेंट क्या क्या है. जो इसका फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट है वो ये है कि जो परिवाद है, कंप्लेंट है, वो परिवादी द्वारा पेश किया जाता है. यानी कि कोई भी कंज्यूमर है जिसने किसी भी गुड्स को या किसी भी सर्विस को प्रतिफल देकर ख़रीदा है या लिया है, उसमें कोई भी फॉल्ट आ जाती है, तो अगर उसके लिए वो परिवाद पेश करता है, कंप्लेंट पेश करता है, तो उसे खुद वो कंप्लेंट पेश करनी पड़ेगी. देन जो परिवाद है, कंप्लेंट है, वो रिटर्न में होना ज़रूरी है. आफ्टर दैट जो परिवाद में गुड्स या सर्विस है उनमें जो भी कमी है या फिर उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ा दी गई हो, तो उन सारी चीज़ों का भी कथन होना चाहिए. और जो कंप्लेंट है उसमें इस एक्ट के अंतर्गत उचित
अनुतोष यानी कि रिलीफ की डिमांड की जाती है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा व्हाट इज कंप्लेंट। नाउ आई विल टेल यू अबाउट सर्विस, व्हाट इज सर्विस। अगर साधारण भाषा में मैं कहूँ, अगर कोई भी पर्सन है, एक व्यक्ति द्वारा किसी भी अदर पर्सन की हेल्प करना या कोई सर्विस या फिर काम या फिर कोई भी बेनिफिट पहुँचाने के लिए की गई कार्यवाही को सेवा सर्विस कहते हैं। इट मींस एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की सहायता, सेवा, काम या लाभ पहुंचाने के लिए की गई जो भी कार्यवाही है उसे सेवा यानी कि सर्विस कहते हैं। इसी ठीक इसी भाव को कि ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इसे एक्सेप्ट किया गया है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ कंप्लेंट एंड व्हाट इज सर्विस। If you have any query, then you can contact with Global College of Law. Thank you so much.